गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप अपनी पहला पेपर सीए इंटर का जो अकाउंटेंसी है उसको कैसे प्रिपेयर करें और कौन कौन सी टॉपिक को इस बार देख के जाना है जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, सो दैट यू कैन इजिली स्कोर मोर देन 90+ मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। देखो, अकाउंटेंसी का प्रिपरेशन क्यों अच्छा होना चाहिए, आप ऐसे समझो, अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, मान लीजिए किसी भी टीम में कोई ओपनर अगर आउट हो जाता है, ओपनर अगर रन नहीं बना पाता, तो आने वाले जो प्लेयर्स है ना ऑटोमेटिकली थोड़ा स्लो एंड प्रिकॉशन बेसिस पे खेलने लगते हैं, आराम आराम से खेलते हैं कि और सारे विकेट ना गिर जाए। यानी कि कैसे ओपनिंग से इम्पैक्ट होता है आने वाले बैटिंग ऑर्डर, सिमिलरली एग्जामिनेशन में पहला पेपर बहुत मैटर करता है। अगर पहला पेपर आपका अच्छा जाता है तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड फील करेंगे, आपको लगेगा कि मैं एग्जिमिशन आ रहा है या ज्यादा मार्क्स आ रहा है तो वहां पे मैं रैंक ले आ सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ अगले पेपर को। एंड सिमिलरली अगर आपका पहला पेपर खराब जाता है, इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड डीमोटिवेशन, आपको लगेगा कि पूरी जिंदगी तबाह हो गई, अब मैं पास नहीं होने वाला हूँ, फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, बहुत सारे निगेटिविटी वहां पे आपके दिमाग में आने लगेगा। तो इसीलिए पहला पेपर प्रिपरेशन करना स्ट्रांगली बहुत जरूरी है। एंड पहला पेपर ऐसा जरूरी है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ के जा रहे हैं वहां से क्वेश्चन आए, समझ रहे हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा चीज है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। पहले तो देखो, वीडियो को आप लोग लाइक कर दो एक छोटा सा, कि मुझे भी खुशी होती है आप लोगों का लाइक कमेंट देखता हूं तो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आएंगी। एंड क्लासेस के छोटा छोटा क्लिप्स जो होते हैं कॉन्सेप्ट के, सारे मैं डालते रहता हूँ यूट्यूब पे कि आप लोगों के लिए आसान हो जाए चीजें, ठीक है। क्या है कि ये देखो, हमारी जो सोसाइटी है ना, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और प्रॉब्लम क्या आ रही है लोगों में, कि लोग टिप्पणी बहुत करते हैं, लोग अपनी जजमेंट बहुत देते हैं, है कि नहीं। देखो, आप कहीं पे जाके देखो कि कोई बड़ा प्लेयर आउट हो गया, कोई ऐसा इंसान उस पे जजमेंट देते हुए आपको मिल जाएगा, कहते हुए मिल जाएगा ऐसे नहीं ऐसा खेलना चाहिए, जो खुद क्रिकेट ना खेल रहा हो या खुद बहुत कम नॉलेज रखता है क्रिकेट को, वो एक ब्रिलियंट प्लेयर को एक बार ना परफॉर्म करने पे ज्ञान दे रहा है। और ये हमारी सोसाइटी की ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि विदाउट हैविंग नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, पीपल स्टार्ट मेकिंग जजमेंट, पीपल स्टार्ट टेलिंग लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट द थिंग, कोई भी सब्जेक्ट मैटर के नॉलेज के बिना। बल्कि नॉलेज क्या कहता है, कि जिस चीज का आपको ज्ञान हो इसी चीज में आपको बोलनी चाहिए, है कि नहीं। ऐसे ही होने वाला है आप लोगों के साथ भी लाइफ में, आप बहुत सारी फेज को देखेंगे। मान लीजिए एग्जामिनेशन में आप एग्जाम देते हैं तो दो ही रिजल्ट आ सकता है, वेदर पास या फेल। और जैसे मैंने बोला ना कि क्रिकेट देखने वाले क्रिकेट पे टिप्पणी करते हैं, अपने विचार रखते हैं, वैसे ही आपको जानने वाले आपके रिजल्ट पे विचार रखना शुरू कर देंगे। अगर आप पास होते हैं तो अच्छी विचार रखेंगे कि लड़का मेहनती था, ये था वो था, अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, और ये ऑब्वियसली आपने मेहनत किया तो बोलनी भी चाहिए। प्रॉब्लम ये है, अगर आप फेल होते हैं तो दुनिया ये प्री एजम्पशन ले लेती है, दुनिया ये मान लेती है कि आप में कोई कमी है, आपकी पढ़ाई में कोई कमी है। बल्कि मैं ये आप लोगों को अपनी एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, अपने दावे से बोल सकता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को देखने के बाद बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है सीए कोर्स में कि आपने अच्छे से मेहनत करी पर तब भी कहीं ना कहीं कमी कमजोरी रह गई। चाहे कमी कमजोरी प्रिपरेशन में ना हो, साइकोलॉजी में हो, कि पेपर एक खराब गया, बचा और सारा खराब कर लिया टेंशन से, है कि नहीं। तो जब तक हम किसी को डीपली जानते नहीं ना, किसी के फेलियर का रीजन, किसी का सक्सेस का रीजन, हम इजीली जजमेंट नहीं करना चाहिए। बट ऐसा सोसाइटी करता है, ऐसे लोग करेंगे। तो अगर आप फेल होते हैं ना तो ये प्री एजम्पशन ले लेगी सोसाइटी, ये प्री एजम्पशन ले लेंगे आपके रिलेटिव वाले कि अनसीरियस होके आपने पढ़ाई किया होगा, आपने कोई कमी करी होगी। तो ये सुनने से बेहतर है कि सीरियस हो जाओ, पढ़ाई करो, है कि नहीं। और वैसे भी इस कोर्स में आपने पढ़ने के लिए ही आए हो। अनसीरियस स्टूडेंट अगर इस कोर्स में आते हैं तो डिपेंडिंग अपन द वॉल्यूम ऑफ कोर्स और जो कोर्स का पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, मुझे नहीं लगता कि बिना पढ़े एग्जामिनेशन क्लियर होने वाला है। तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। जो 5-7 साल का फेज है ना, यही एक्चुअल फेज है मेहनत करने का। अभी 5-7 साल जब निकल जाएंगे ना, और उसके बाद आप बस इस मेहनत को धीरे धीरे एंजॉय करोगे, उसके बाद एक
मेहनत करने का एक होता है, हम अब हार्डवर्क तो पूरी जिंदगी करते हैं, बट ये जो हार्डवर्क है ना, ये मेन है, ये बेस लेवल का हार्डवर्क है। कि मतलब इनिशियल में नहीं होता कि कैसे एक घर बनता है, तो अगर बेस स्ट्रांग कर दिया जाए थोड़ा समय लगा के, तो बची हुई बिल्डिंग फटाफट खड़ा कर दिया जाता है उसके ऊपर, सेम एज इट इज। ये जो बेस है ना आपका, फाउंडेशन, इसको स्ट्रांग करने वाली हार्डवर्क है। अगर ये स्ट्रांग होगा तो बची हुई बिल्डिंग फटाफट खड़ी हो जाएगी इसके ऊपर, समझ रहे हो। चलो पहला पेपर है, अच्छे से देना है, एंड किन चैप्टर्स को, किन पॉइंट्स को फोकस करना है, देखते वीडियो के अंदर इसको जरूर इनकॉर्पोरेट करना, अच्छा से अच्छा मार्क्स लेने के लिए। ठीक है, आ जाओ। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेता हूं। 3 मॉड्यूल में आपकी अकाउंटेंसी का जो मटेरियल है, पहला मॉड्यूल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम आता है। अगर इस मॉड्यूल का बात करूं तो 25 से 30 नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो बहुत छोटा मॉड्यूल है एंड स्कोरिंग बहुत है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहला मॉड्यूल। तो अगर बच्चे का वीक है ना, तो अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर करेगा। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात आपको बता देना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ से स्कोरिंग, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एंड छोटे छोटे क्वेश्चन में मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। बड़े क्वेश्चन में बच्चों से मिस्टेक हो जाती है छोटी मोटी, जो कई बार कैलकुलेशन एरर हो सकता है या बच्चे को खुद नहीं पता है। बट वो जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो छोटे छोटे होते हैं कि 5 मार्क्स में है, छोटा सा क्वेश्चन आया है, वहां पे स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, वहां पे आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है। ठीक है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देखो AS 2, 10, 12 एंड 16 मस्ट इंपॉर्टेंट AS है। यहां से 3 AS आने वाले हैं, 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन इन AS से आएगा। अगर 4 में से 4 भी आ गया तो मुझे कोई हैरानी नहीं होने वाली है। ठीक, देखो इसमें से AS 3 जो है, 1, 3, 11 एंड 13, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुका है पिछले अटेम्प्ट में, लेकिन AS 3 इसलिए भी मैं बोलता हूँ आपको करनी पड़ेगी क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है सिलेबस में, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट करोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट से कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो बता दीजिए, ऑपरेटिंग से कितना कैश फ्लो है कि नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो है। अगर छोटा क्वेश्चन भी आता है तो वहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का AS आपको ऑटोमेटिकली रिवाइज होना चाहिए, तो कैश फ्लो के साथ साथ ही वो AS हो जाएगा। ठीक है, AS 16 एंड AS 2 मोस्ट इंपोर्टेंट AS है। इसमें से अगर मैं चारों में से प्रिसाइजली बोलूं तो मुझे लगता है 16 से एक क्वेश्चन, 2 से भी क्वेश्चन, एंड पता नहीं AS 10 से भी एक क्वेश्चन आएगा आएगा। ठीक है, फ्रेमवर्क में देखो 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला तो एक आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने को देगा गोइंग कंसर्न के एजम्पशन लेके, एंड व्हेन गोइंग कंसर्न एजम्पशन सीजेस टू एग्जिस्ट, कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन नहीं है तब PL कैसे बनेगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक, पहली बार ये क्वेश्चन आया था नवंबर 2015 में, बहुत सारे बच्चे देख के नहीं गए थे एंड वहां पे हो गई थी मिस्टेक। क्वेश्चन देख के नहीं जाओगे, पढ़ के नहीं जाओगे, ऑब्वियसली वहां से आपको भी चीजें क्लिक नहीं करेंगी। ये एक क्वेश्चन देख के जाना है, एक ही क्वेश्चन है। दूसरा, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है, पर इस बार आ चुका है तो वहां पे चांसेस थोड़ा कम बनते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में 5 मार्क्स का आता था, बट एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन बनता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे कि एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी एंड कुछ ट्रांजेक्शन देगा, बताइए इस इक्वेशन को कंप्लीट करके, तो यहां से मुझे लगता है क्वेश्चन नहीं आएगा, आ चुका है। बट गोइंग कंसर्न एजम्पशन वाला क्वेश्चन आप जरूर देख के जाना। तो AS हो गया, गोइंग कंसर्न एजम्पशन वाला क्वेश्चन हो गया। देखो मॉड्यूल 2 30 to 35 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मॉड्यूल 2 भी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि 35 मार्क्स का क्वेश्चन कोई छोटा मोटा बात तो है नहीं, एंड मिनिमम 30 मार्क्स तो मैं कह ही रहा हूं। इसमें देखो प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, कुछ कंसेप्ट है और आएगा आएगा, तो इसको तो मार्क कर लो आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन 100% यहां से आएगा। फिर कुछ यहां पे एक साथ मैंने लिखा है चैप्टर्स को, छोटे छोटे चैप्टर्स। देखो मॉड्यूल 2 को मैंने 2 भाग में बांटा है, एक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड दूसरा रेसिड्यूअल। ये है रेसिड्यूअल, अभी हम रेसिड्यूअल की बात कर रहे हैं रेसिड्यूअल की बात कर रहे हैं, इसके बाद आएंगे हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। देखो रेसिड्यूअल में प्री पोस्ट टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लिया आपने, प्री पोस्ट से क्वेश्चन आएगा आएगा, मार्क कर लो मेरी वर्ड। दूसरा, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बोनस राइट, रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहां से आने के क्या चांसेस है। देखो राइट शेयर का एक क्वेश्चन है छोटा, एक्स राइट प्राइस निकालिए एंड वैल्यू ऑफ राइट, वो 6 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है 5 मार्क्स के लिए, उसको देख के जाना है।
बोनस का इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रीफरेंस का इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मिक्स होके आएंगे कि एक मिक्स जर्नल दिया, आपके बुक में एक क्वेश्चन है जहां पे इन्वेस्टमेंट भी बिक रही है, डिबेंचर रिडीम्ड हुआ है, प्रीफरेंस रिडीम्ड हुआ है, बोनस इशू हुआ है, सबका कॉम्बिनेशन का एंट्री वाली क्वेश्चन। ज्यादातर चांस है जर्नल पूछेगा, एंड वैसे ही जर्नल पूछेगा जिसमें बोनस की भी एंट्री हो, प्रीफरेंस की भी एंट्री हो एंड डिबेंचर की भी एंट्री हो। डिबेंचर से इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर बोनस एंड प्रीफरेंस से नहीं आएगा इंडिविजुअल। डिबेंचर से इंडिविजुअल में लेजर भी इंपॉर्टेंट है एंड एक डिबेंचर का जर्नल का क्वेश्चन है बुक में है, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो जर्नल भी देख के जाना है, जर्नल एंट्री पास करना। लेजर डिबेंचर का इंपॉर्टेंट है, एक छोटा कैलकुलेशन इस बार आया था डिबेंचर से, डिबेंचर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी आ सकता है, तो ध्यान देना है इस चीज को आपको, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेड्यूल 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार आ सकता है, पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। तो शेड्यूल 3 आपको जरूर देख के जाना है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बुक के अंदर वो, ठीक है। मैनेजरियल रिन्यूमरेशन से पूछ चुका है कि लॉस के केस में इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे रिन्यूमरेशन कितना आएगा, तो ये नहीं आएगा, ओके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिविडेंड इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। देखो रूल 3 लॉ में भी आप पढ़े होंगे डिविडेंड चैप्टर में, यहाँ अकाउंटेंसी में भी है, अकाउंटेंसी में भी है, सॉरी कि रूल 3 अनुसार डिविडेंड फ्री रिजर्व से कैसे देते हैं अगर प्रॉफिट नहीं है, तो जनरल रिजर्व से डिविडेंड कैसे देंगे इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, वहां पे 3-4 कंडीशन है, उसके बेसिस पे निकालना है। ये एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के जाना, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ सकता है। पीएल अप्रोप्रिएशन अभी तक पूछा नहीं है, देखो पुराने कोर्स में पीएल अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आता था, ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन में आप लोगों को मिल जाएगा, बोलोगे तो मैं क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाल दूंगा। क्या आता था पीएल अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन, तो देखो नेट प्रॉफिट दिया होगा, है ना, बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टैक्स वगैरह का वैल्यू दिया होगा, फिर अप्रोप्रिएशन का पॉइंट देगा, वो इंपॉर्टेंट है, और अप्रोप्रिएशन के बाद बोलेगा कि आप बताइए रिटेन अर्निंग में कितना जाएगा, ये वाली चीज, जहां पे इक्विटी डिविडेंड, प्रिफरेंस डिविडेंड, और बोलेगा बोनस कितना है, तो इक्विटी डिविडेंड का 10% बचा हुआ रिजर्व में भेजना है, वो वाली क्वेश्चन आप देखोगे क्लिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। एक ही क्वेश्चन है बार बार, वैसे सिमिलर क्वेश्चन फिगर चेंज करके रिपीट हुआ है पास्ट में, पुराने कोर्स में बहुत बार पूछ चुका है, नए कोर्स में नहीं पूछा है उतना, तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है, इसको जरूर देख के जाना चाहिए आपको, ठीक है। आ जाओ मॉड्यूल 3 में सबसे इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट, एक नंबर, क्यों, हर एक अटेम्प्ट में आएगा डिपार्टमेंट, और दूसरा ब्रांच के तुलना में, ब्रांच और डिपार्टमेंट का सेम वेटेज है, ब्रांच भी आया था 10 मार्क्स में, डिपार्टमेंट भी आएगा 10 मार्क्स में, बट ब्रांच में कंटेंट बड़ा है, चैप्टर बड़ा है, तो अगर आप ब्रांच में, ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आपकी प्रिपरेशन में कमी है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि कंटेंट बड़ा है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों से गड़बड़ी वहां पे हो जाती है। पर डिपार्टमेंट में सिर्फ डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाना है आपको, एंड स्टॉक रिजर्व का कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, पूरी क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द घूमता है, चाहे स्टॉक रिजर्व से इंडिविजुअली पूछ ले या फिर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पीएल बनाने के लिए, तो स्टॉक रिजर्व आपको आना ही चाहिए। ध्यान देने वाली बात क्या है डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में, जो देख के जाना, 3 डिपार्टमेंट का जो क्वेश्चन है उसमें स्टॉक रिजर्व निकालना है आपको आना चाहिए, 2 डिपार्टमेंट में बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, 3 डिपार्टमेंट के क्वेश्चन में स्टॉक रिजर्व, जहां डिपार्टमेंट 1 से 2 और 2 से 3 में गुड्स जाता है, क्योंकि वहां जो डिपार्टमेंट 3 में गुड्स है वहां पे 2 डिपार्टमेंट की अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो वो क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाना है कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। दूसरा ब्रांच अकाउंटिंग भी इंपॉर्टेंट है, पर ब्रांच अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट ज्यादा है, ब्रांच अकाउंट में पूछने का रेंज जो है वाइडर है, कहीं से भी पूछ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जर्नल एंट्री आपको देख के जानी चाहिए, जर्नल एंट्री से क्वेश्चन उतने बार रिपीट नहीं हुआ है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री, पिछले 10 साल में आप देखोगे बहुत बार जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं, ठीक है। इनडिपेंडेंट डिपार्टमेंट में जर्नल एंट्री याद रहेगा, डिपेंडेंट डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछ चुका है स्टॉक एंड डेटर मेथड, एंड मुझे नहीं लगता डिपेंडेंट से इस बार पूछेगा, चांसेस है कि इनडिपेंडेंट से अगर पूछा तो जर्नल एंट्री, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मुझे चांसेस थोड़ा कम लगते हैं, जर्नल एंट्री ऐसे मेरे दिल से आ रहा है कि जर्नल एंट्री पूछना चाहिए। एंड सेकेंड फॉरेन ब्रांच को भी आपको ध्यान देके जाना है, ट्रांसलेशन को जो रूल्स है ना मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम का, वो आपको अच्छे से देख के जाना है, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल दोनों के केसेस में। तो ट्रायल बैलेंस भी पूछ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, कई बार तो ट्रायल बैलेंस ही सिर्फ पूछा है कि ट्रांसलेट करके बताओ,
समझ रहे हो, ब्रांच में कंटेंट ज्यादा है, ब्रांच से बेहतर डिपार्टमेंट, वहां पे स्कोरिंग है। ब्रांच में देखो कॉन्सेप्ट तो एकदम आसान आसान है, बस थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा है। तो आप कोर्स भी तो ऐसा चूज करे हो जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है, तभी तो इस कोर्स की वैल्यू भी है कि नहीं। चलो फिर आते हैं ये तीन टॉपिक, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड हायर परचेज। देखो इन्वेस्टमेंट से तो हमेशा क्वेश्चन आएगा, तो इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करो। शेयर से बेस्ट क्वेश्चन आया था, पर मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि इस बार भी शेयर पे ही क्वेश्चन आएगा। दो किस्म का आप देखोगे, एक शेयर बेस्ड क्वेश्चन एंड दूसरा इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी, चाहे बॉन्ड बोले डिबेंचर बोले, उससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन, दोनों आपको देख के जाना है। कई बार मिक्स पूछता है कि आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर दोनों बनाइए, दो तीन एंट्री शेयर के होंगे, दो तीन एंट्री डिबेंचर के होंगे, उसके लिए तो आपको दोनों पता होना जरूरी है। एंड इंडिविजुअली डिबेंचर भी पूछे तो आप बना सकते हैं डिबेंचर या बॉन्ड। तो इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर दोनों को देख के जाना है वहां पे। इंश्योरेंस क्लेम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम से भी क्वेश्चन आएगा आएगा। लॉस ऑफ स्टॉक पूछ चुका है, अब बनता है लॉस ऑफ प्रॉफिट की बारी। देखो कंपेयर करोगे तो ज्यादातर एटेम में लॉस ऑफ स्टॉक पूछता है, कई बार क्या लॉस ऑफ स्टॉक रिपीट हो सकता है, 100% रिपीट हो सकता है, तो लॉस ऑफ स्टॉक को अच्छे से देख के जाना है। मैं ये कहता हूं कि लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी बनता है वहां पे, बट लॉस ऑफ स्टॉक पीछे पास्ट एटेम में देखोगे तो डबल डबल भी रिपीट हुआ है, कि लॉस ऑफ स्टॉक पिछले में भी आया था, इस एटेम में भी आया है, ओल्ड कोर्स में तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो आप ये जम्पशन मत लेके चलना कि लॉस ऑफ स्टॉक देखना ही नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, आपको कंसेप्ट पूरी देख के जानी है, ठीक है। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल, यहां से हर एक आइटम में क्वेश्चन नहीं आता, एंड इस आइटम में हायर परचेजर की बुक में एंट्री जो हायर परचेजर की बुक में लेजर बनाने को आप पढ़ते हो वो पूछ चुका है, तो मुझे लगता है हायर परचेज से शायद इस बार क्वेश्चन ना आए। कई बार नहीं आता है तो थ्योरी क्वेश्चन में आ जाता है। इंस्टॉलमेंट सेल एंड हायर परचेज के डिफरेंसेस बताइए, समझ रहे हो। तो इन सारे चीजों को इनकॉर्पोरेट करके आपको पढ़ना है। अगर मोटा मोटी बोलूं एएस का प्रिपरेशन तगड़ा होना चाहिए, 20 से 25 नंबर वहां से आएगा, ठीक। दूसरा प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वो इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन। डिपार्टमेंट अकाउंट छोटा है, 10 नंबर वेटेज रखता है, इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट 10 नंबर वेटेज रखता है, इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस 10 नंबर वेटेज रखता है, इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो छोटे टॉपिक है बोनस राइट प्रिफरेंस डिबेंचर, डिबेंचर थोड़ा बड़ा है क्योंकि वहां पे लेजर वेजर भी पूछ सकता है, इनको एक साथ पढ़ लो, यहां से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो मोटा मोटी 80 नंबर के क्वेश्चन तो यहां से आएंगे, 80 से 85 नंबर के क्वेश्चन, मोर देन 80 मार्क्स, 80 टू 90 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहां से, समझ रहे हो, 120 नंबर के पेपर में से। एंड सिर्फ आने वाली बात नहीं है, ये जो चैप्टर है ये छोटे भी है, स्कोरिंग भी है। तो आपको करना क्या है ना, देखो 120 नंबर में से आपको करना तो 100 मार्क्स का ही है, 80 प्लस मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये एकदम आपकी स्कोरिंग प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, है ना। तो आप करोगे कैसे कि 80 नंबर का क्वेश्चन बहुत हाई स्कोरिंग आपने किया, एंड 20 नंबर के क्वेश्चन में छोटे मोटे मिस्टेक भी हो जाए तो ऑब्वियसली आपका 80 प्लस मार्क्स आएगा, 85 आए, 90 आए, अगर अच्छे से पेपर गया तो 95, 100 आउट ऑफ 100 भी मार्क्स आ सकता है। तो इस सारी चीजों को आप ध्यान देना। दूसरी चीज, जब भी कोई पास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ चुका है तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जो क्वेश्चन आ गया है वो अब नहीं आएगा, उस चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन आएगा, है कि नहीं। जैसे कि एएस जो आ चुका है वो छोड़ के अगला एएस प्रिपेयर कर लेते हैं, जो आ गया है वो थोड़ी ना रिपीट होगा, बट आपको सब पढ़ के जाना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आज से तीन चार साल हो गए होंगे, 4 साल पहले के अटेम्प्ट, जब पुराने कोर्स थे, 4 या 5 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली अटेम्प्ट याद नहीं आ रहा है। तो उस अटेम्प्ट में, पिछले अटेम्प्ट में एएस 4, 5, 11 and 19 से क्वेश्चन आया हुआ था, और बच्चे जब पढ़ के गए, एडवांस अकाउंट का बात कर रहा हूँ, एडवांस अकाउंट हुआ करता था उसमें ये सारे एएस हुआ करते थे पुराने कोर्स में, बच्चे जब पढ़ के गए तो ये छोड़ के बचे हुए एएस जैसे कि 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 26 हो गया, 29 हो गया, ये एएस पढ़ के गए। बट इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने तीन जो पिछले टाइम में ऑलरेडी पूछे एएस थे 4, 5, 19 उनको रिपीट किया, क्वेश्चन अलग थे, पिछले टाइम के सेम क्वेश्चन नहीं थे, बट उन्हीं एएस से क्वेश्चन थे और एक इनमें से पूछा। अब बताओ जो बच्चा वो छोड़ के गया है, पीछे का एएस पढ़ के ही नहीं गया इन एएस को, वो तो तीन क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं बना पाएगा, सिर्फ एएस का एक बेसिक मीनिंग लिख सकता है,
क्योंकि क्वेश्चन आप देख के नहीं जाओगे और पहले अटेम्प्ट में पेपर दे रहे हो, तो आप उतनी ब्रिलियंटली थोड़ी ना प्रिपेयर करके गए हो। जब देख के ही नहीं गए हो क्वेश्चन, तो वहां मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर वन जो कि एकदम स्कोरिंग क्वेश्चन है 20 नंबर का, वहां पे अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है तो ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है। इन सब चीजों को आप इनकॉर्पोरेट करके पढ़ो। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखो, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे जो भी मटेरियल चाहिए आपको आप मैसेज करो, मैं मटेरियल टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ।